हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जस्ट कॉल। और मेरे पास है वन प्लस टीवी 43 इंच वाला वेरिएंट। नहीं, इसका ऑलरेडी एक वीडियो में अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, अगर आपको देखना है तो आई बटन में इधर मिल जाएगा। आज मेरे पास है वन प्लस टीवी वाई सीरीज का 32 इंच वाला वेरिएंट। आज वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी की और इसके काफ़ी सारे फीचर्स की। साथ में वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन। 13,000 रुपीज़ के प्राइस में आपको ये टीवी मिलता है, तो इस प्राइस के हिसाब से आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉयड टीवी रहेगा या फिर नहीं। गाइस, वन प्लस का वन प्लस टीवी 32 इंच वाला वेरिएंट आता है कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स के सामने एक टीवी का पिक्चर जैसा दिया हुआ है, वन प्लस टीवी एंड्रॉइड टीवी गूगल असिस्टेंट 32 इंच साइज, साथ में डॉल्बी ऑडियो भी यहां पर मेंशन किया गया है। साइड में यहां पर फिर से वन प्लस टीवी एंड्रॉइड टीवी गूगल असिस्टेंट, डायगनली 80 सेंटीमीटर का साइज बताया गया है। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, HDMI का सपोर्ट भी मिलता है टीवी के अंदर। और बॉक्स के दूसरे साइड नेवर सेटल जो है वन प्लस की टैगलाइन, साथ में व्हाइट कलर गैमेट, बेजल लेस, ऑक्सीजन प्ले, वन प्लस कनेक्ट भी दिया हुआ है। और इस तरफ यहाँ दिख जाता है क्रोम कास्ट बिल्ट इन मिलता है टीवी के अंदर, और 3-स्टार पावर सेविंग रेटिंग के साथ में आता है टीवी। बाकी बॉक्स के इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी डिटेल स्पेसिफिकेशंस वगैरह, फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं। बॉक्स कॉन्टेंट्स की डिटेल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, कस्टमर केयर डिटेल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चर्ड बाय रेडिएंट अप्लायंसेस जो कि एक तेलंगाना बेस्ड मैन्युफैक्चरर है, मतलब कि मेड इन इंडिया टीवी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन साफ साफ दिया हुआ है जो है इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में MRP जो है यहाँ पर वो है 19,999, मतलब कि 20,000 रुपये। लेकिन वन प्लस टीवी 32 इंच वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है करीब करीब 12,999, मतलब कि 13,000 रुपये के रेगुलर प्राइस में। बेस्ट वे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अब फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं जिनको आपको ज़रूर से फॉलो करना है अगर आप खुद अनबॉक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वन प्लस का टेप है इसको कट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और बॉक्स को ओपन कर पाएंगे। और बॉक्स के अंदर सबसे पहले रखे हुए मिल जाते हैं ये टेबल स्टैंड कुछ इस तरीके से, जो कि मैट ब्लैक कलर में आते हैं, प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं, देखने में काफ़ी सिंपल से लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर बॉक्स के अंदर से मिल जाता है आपको एक यूज़र मैनुअल, एक रिमोट कंट्रोल, साथ में बैटरीज़, साथ में कुछ स्क्रूज टेबल माउंट को अटैच करने के लिए। और नेक्स्ट और लास्ट बॉक्स कंटेंट है मेन टीवी, जिसको कि थोड़ा केयरफुली आपको निकालना है। वैसे काफ़ी हल्का है, केवल 5.4 kg के आसपास इसका वेट है, एक हाथ से बड़े आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयर से आपको इसको निकालना है, प्लास्टिक को अलग करना है बड़े आराम से। और जो टेबल स्टैंड है उनको अटैच करने के लिए आपको डिस्प्ले की तरफ से टीवी को रखना होगा, और उसके लिए एक थोड़ा सा सॉफ्ट क्लॉथ रख लीजिएगा टेबल के ऊपर जब आप स्टैंड को इसके ऊपर लगाएंगे। बाकी चाहे तो बेड पर भी रख सकते हैं जहां पर कि गद्दा वद्दा रहता है। बाकी टीवी पीछे की तरफ से ब्लैक कलर में आता है, थोड़ा सा टेक्स्चर्ड प्लास्टिक मटेरियल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। एयर वेंटिलेशन के लिए वेंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। नीचे बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए हुए हैं जो कि 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ में आते हैं। 1.2 मीटर के अप्रोक्स की पावर कॉर्ड भी मिल जाती है टीवी के अंदर। साइड में एक पावर बटन है राइट साइड में पीछे की तरफ, और टीवी के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक स्टिकर भी दिया हुआ है जो कि सेम स्टिकर है पावर सेविंग गाइड का। टीवी का पावर कंजप्शन है 55 वॉट का और मेड इन इंडिया यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। और पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड में मिलता है एक HDMI इनपुट, साथ में एक RF एंटीना इनपुट, USB पोर्ट पेन ड्राइव वगैरह के लिए, और नीचे की तरफ यहाँ पर दिए गए नॉर्मल AV केबल्स के लिए कॉम्पोसाइट पोर्ट, ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट पोर्ट, USB 2 ईथरनेट पोर्ट, साथ में HDMI 2, मतलब कि 2 HDMI और 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं टीवी के अंदर। नेक्स्ट, अब जो टेबल स्टैंड है उसके ऊपर टीवी को लगा लेते हैं, तो बड़े आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वॉल माउंट भी करा सकते हैं, फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है, लेकिन वॉल माउंट के लिए शायद आपको अलग से पे करना पड़ सकता है। अभी मेरा टीवी वॉल माउंट नहीं हुआ है, जो भी एग्जैक्ट प्राइसिंग रहती है कितना पैसा देना पड़ता है वॉल माउंट के लिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और फाइनली टीवी दिखता है कुछ इस तरीके से जब टेबल स्टैंड पर रखते हैं। और ओवरऑल यहाँ पर टीवी जो है इतना ज़्यादा स्लिम नहीं है जैसे कि 55 इंच वाला U1 सीरीज का टीवी है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। टीवी को प्लग इन करते हैं और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन LED लाइट दी गई है जिससे कि आपको पता चल जाता है टीवी के अंदर पावर पहुँच चुका है। नेक्स्ट, आपको टीवी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी रिमोट कंट्रोल की, तो यहाँ पर ब्लैक कलर का प्लास्टिक का रिमोट कंट्रोल आता है टीवी के साथ में, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है वन प्लस टीवी 43 इंच के साथ जो मिलता है।
डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो और यूट्यूब के बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, साथ में गूगल असिस्टेंट के लिए भी डेडिकेटेड बटन है। इसके अलावा कुछ और जरूरत के सिलेक्टेड बटन दिए हुए हैं, माइक भी है रिमोट कंट्रोल के ऊपर, साथ में ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, तो इसके लिए आपको टीवी को पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7-8 मीटर की रेंज में कहीं से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर बटन प्रेस करते ही टीवी पर OnePlus का लोगो एंड्रॉइड दिख जाता है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिमोट को पेयर करना पड़ेगा लेफ्ट साइड वाला जॉयस्टिक के ऊपर जो बटन है और जो ओ बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके। लेकिन सेटअप वेटअप के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। आप में से काफ़ी सारे लोगों को चाहिए होता है कैसी है पिक्चर क्वालिटी, कैसी है साउंड क्वालिटी, तो उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देख लेते हैं सबसे पहले कैसी है पिक्चर क्वालिटी। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही टीवी ऑन होता है तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑलमोस्ट बेजल लेस डिस्प्ले, साइड के जो ब्लैक बॉर्डर्स वगैरह हैं वो काफ़ी कम है, 91.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बस टीवी के नीचे की तरफ जो बॉर्डर लाइन है जिसके ऊपर वन प्लस की ब्रांडिंग है वो थोड़ी सी थिक है, बाकी ओवरऑल जो डिस्प्ले है दिखने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। इस प्राइस के टीवी के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात करें तो वो है 1366x768, मतलब कि एक HD रेडी स्क्रीन है। कलर गैमेट मिलता है आपको DCI-P3 93%, गामा कलर इंजन दिया हुआ है जिसके जरिए आपको पिक्चर जो है काफ़ी एनहेंस दिखती है इस टीवी के अंदर, साथ में नॉइस रिडक्शन, डायनेमिक कंट्रास्ट, कलर स्पेस मैपिंग भी आपको टीवी के अंदर मिल जाती है जिससे कि कलर्स वगैरह काफ़ी नेचुरल से दिखते हैं। साथ में साइड वगैरह से देखेंगे तो व्यू एंगल्स भी काफ़ी बढ़िया है, टीवी के कलर्स वगैरह नेगेटिव जैसे नहीं दिखाई देते हैं। साथ में कॉन्टेस्ट रेशियो भी बढ़िया है, और प्राइस के हिसाब से जो ब्लैक कलर है वो भी डीप ब्लैक जैसा ही दिखता है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर एक डिसेंट पिक्चर क्वालिटी वाला पैनल दिया गया है इस टीवी के अंदर, इसके प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा बढ़िया है। भाई आप में से काफी सारे लोग अमेजन के रिव्यूज में जाकर पढ़ रहे होंगे कलर ब्लीडिंग का इशू है इस टीवी के अंदर, लेकिन वो केवल आपको एक सिंगल कलर पर दिखते हैं, जैसे कि इस टीवी के अंदर ग्रे कलर के ऊपर थोड़े बहुत कलर ब्लीडिंग के इशूज नजर आते हैं। लेकिन जब आप इस टीवी के ऊपर कलरफुल इमेज देख रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई सॉन्ग देख रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो कलर ब्लीडिंग है उसकी वजह से कोई भी इशू दिखाई नहीं देता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और बताना चाहूंगा ये एक नॉर्मल सी चीज है जो कि आपको बजट प्राइस रेंज के सभी टीवीज में मिलती है। नेक्स्ट बात करें इसके साउंड आउटपुट के बारे में, तो दो बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं इस टीवी के अंदर जिनके जरिए 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। वो कैसा है उसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इस टीवी के साउंड आउटपुट को, बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। ओवरऑल यहाँ पर जो साउंड आउटपुट है वो बोलूँगा ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बेस है, ना ही बहुत ज़्यादा ट्रेबल, और ना ही बहुत ज़्यादा लाउड है, और 100% वॉल्यूम पर थोड़ा सा मफल भी होता है साउंड। अगर आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सटर्नल साउंड बार या फिर स्पीकर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हाँ बताना चाहूँगा यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक नहीं है इस टीवी के अंदर, सो ऑप्टिकल पोर्ट वाला आपको स्पीकर या फिर साउंड बार खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अलग से ऑप्टिकल केबल भी बाय करनी पड़ेगी, लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वापस आ जाते हैं अपने टीवी के सेटअप पर, तो यहाँ पर आप बस रिमोट को पेयर कर लेंगे टीवी के साथ में, उसके बाद बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने टीवी को सेटअप कर सकते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विकली सेटअप करने के लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर लीजिएगा जिससे आपका जो सेटअप है काफ़ी आसान हो जाएगा। बस अपने फ़ोन को आपको बोलना है सेटअप माई डिवाइस गूगल असिस्टेंट के अंदर, और बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके आप टीवी को सेटअप कर पाएंगे, जीमेल वगैरह भी सिंक हो जाएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा क्रोमकास्ट बिल्ट इन ऑलवेज अवेलेबल को ऑन कर दीजिएगा जिससे आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन को कास्ट करने में आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पर बाकी सारे जो स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इंटरफेस मिलता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड 9 OS के साथ में आता है बिकॉज सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी है। बाकी यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। अभी क्या टाइम हुआ है? It's 3:01 PM. तो रिमोट में दिए हुए माइक को इस्तेमाल करके आप वॉइस कमांड के जरिए भी टीवी के काफ़ी सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं यूनिवर्सल सर्च के लिए, टीवी के अंदर कहीं भी कुछ भी कंटेंट आपको देखना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इनपुट मिल जाता है, मतलब कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं HDMI 1, HDMI 2, कॉम्पोसाइट पोर्ट या फिर बेसिक एंटीना केबल किसके जरिए आपको देखना है टीवी। बाकी यहाँ पर आपको वाईफाई भी मिल जाता है टीवी के अंदर जो कि मैक्सिमम 2.4 GHz को सपोर्ट करता है।
5GHz होता तो बेटर होता। बाकी यहाँ पर अबाउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स वगैरह दिख जाते हैं टीवी के। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं, पिक्चर मोड के अंदर डिफरेंट प्रीसेट मोड्स दिए हुए हैं या फिर मैनुअली भी कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर, शार्पनेस वगैरह सेट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से साउंड के अंदर भी डिफरेंट प्रीसेट साउंड मोड्स भी दिए हुए हैं, मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में डॉल्बी ऑडियो प्रोसेसिंग भी यहाँ पर दी गई है। बाकी 8GB स्टोरेज में से इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है करीब 4.6GB के अप्रॉक्स, 1GB की रैम है, 64-bit का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है टीवी के अंदर। इसके अलावा टीवी के अंदर स्क्रीन सेवर भी है, जब आप टीवी को देख नहीं रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर स्क्रीन सेवर आपको दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लूटूथ भी मिल जाता है टीवी के अंदर, जिसके ज़रिए आप स्पीकर्स को या फिर हेडफोन्स वगैरह को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं या फिर गेमपैड वगैरह को भी कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशंस वगैरह की बात करें तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वगैरह तो आपको प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाते हैं इस टीवी के अंदर। बाकी अगर आपको चाहिए और भी काफ़ी सारे ऐप्स आपको इंस्टॉल करने हैं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर भी मिलता है टीवी के अंदर, तो वहां से जाकर आप ऐप्स वगैरह को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हॉटस्टार, G5 या फिर कोई और स्ट्रीमिंग ऐप, तो सबको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑक्सीजन प्ले, जहाँ पर कि डिफरेंट जितने भी कॉन्टेंट पार्टनर्स हैं सभी का कंटेंट एक जगह मिल जाता है, जिसको यूनिवर्सली सर्च करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर आप बड़े आराम से फ्लॉलेसली यूट्यूब ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस कमांड के जरिए वीडियोस वगैरह को भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब में भी मुझे कोई ऐसा मेजर लैग वैग नहीं मिला और मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD पर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता 720p और फुल HD में, बिकॉज ऑफ HD डिस्प्ले है। साथ में USB मतलब कि पेन ड्राइव के जरिए भी फुल HD वीडियोस प्ले कर सकते हैं इस टीवी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर कास्ट भी कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली किसी भी वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके या फिर सेम फ़ोन के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके, और कास्ट करते टाइम भी यहाँ पर जो डिले रहता है वो इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है आपको। आप अपने फ़ोन का कंटेंट बड़े आराम से टीवी के ऊपर देख सकते हैं। OnePlus TV 43 इंच वाले से मुझे थोड़ा सा बेटर लगा इसका जो कास्ट वाला फीचर है। फाइनली अब मैं बात करूँ ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कि नहीं, तो इसके प्राइस के हिसाब से यहाँ पर टीवी के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जो डिज़ाइन मिल रहा है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल रहा है, साथ में जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी डिसेंट सी मिल जाती है इस टीवी से। कोई भी लैग वैग मेजर मुझे यहाँ पर देखने को तो नहीं मिला जितना भी मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल किया है। साउंड आउटपुट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, पिक्चर क्वालिटी में बोलूँगा प्राइस के हिसाब से अच्छी है। तो इस प्राइस रेंज के जो मोस्ट पॉपुलर टीवीज़ हैं अभी के लिए वो है मी टीवी 32 इंच और रियलमी टीवी 32 इंच, और अब आपको मिल जाता है 13,000 के प्राइस में OnePlus TV 32 इंच। और अगर इन तीनों ही टीवीज को आप क्विकली कंपेयर करें तो यहां पर डिजाइन के मामले में Realme TV और OnePlus TV ऑलमोस्ट सेम जैसे ही लगते हैं, लेकिन Mi TV थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। Mi TV के अंदर अब भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इन टीवीज के अंदर नहीं मिलते हैं, जैसे कि वहां पर आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, Realme TV OnePlus TV में 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, साथ में 3.5mm का जो जैक है Mi TV में मिलता है, OnePlus TV और Realme TV के अंदर आपको मिलता है ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट पोर्ट, जो कि थोड़ा सा बेटर तो है साउंड आउटपुट के मामले में, लेकिन इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे लोगों की जल्दी से समझ में भी नहीं आता है। सो 3.5mm होता तो थोड़ा सा बेटर होता, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो OnePlus TV का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी ज़्यादा सही रहा। और इस प्राइस के हिसाब से मैं ज़रूर से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप खरीदने की सोच रहे थे 13,000 rupees के प्राइस में, OnePlus TV भी कंसीडर कर सकते हैं, मेरी तरफ से एक पिक है। ये वाला वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी मी टीवी, रियलमी टीवी 32 इंच वाले वेरिएंट्स के मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपको देखने हैं तो इधर आई बटन में मैं दे दूंगा। आपको कोई और सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।